मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनकी फैमिली को रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। तीनों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे। रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है। तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये मुकदमा 2 बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने तीनों को सजा सुनाई। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।